जय हिंद साथियों गुड इवनिंग मैं गौरव एक बार गौर फिर से आप सबका अन्य अकेडमी पर स्वागत करता हूं मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है चले सुन पा रहे हैं तो हम दो तीन बेसिक बेसिक बातें कर लेते हैं कि हे हर विद्यार्थी जो ग्रेजुएट हैं या जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है ये आईबी का जो वैकेंसी आया है दो प्लस पॉइंट है इसमें एक इनका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल एसएससी के पैटर्न के इक्वल है लगभग यदि आप सी करते हैं तो वहां पर भी आपको टायर थ्री देना होता है डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर भी है ग्रेड पे बिल्कुल उतना ही है फोर्टी है 20 परसेंट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और एक चैलेंजिंग जॉब आपको करने का मौका मिल रहा है जहां पर आप अपने टैलेंट का अपने स्किल का यूज कर सकते हैं हाँ एक तो ये है दूसरा क्या है कि कम से कम समय में आप अपने जॉब को सिक्योर कर सकते हैं सीजीएल के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है कि सीजियल के साथ प्रॉब्लम क्या हो है टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया है और ऐसे में ऐसे में साथियों कई बार आपको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर होता है कई सारी दिक्कतें होती हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में आया है दूसरा जो एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए आपका मैथ कमजोर है और आप चाहते हैं कि एक अच्छा जॉब लेकर के आए तो ऐसी स्थिति में यह आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में आप देख सकते हैं ग्रुप सी लेवल का है नॉन रजिस्ट्रेड पोस्ट है नॉन मिनिस्ट्रियल है टोटल 2000 वैकेंसी है 2000, थाउजेंड जिसमें से जनरल के लिए लगभग 1000, थाउजेंड नाइन एट नाइन ई डब्ल्यू एस के लिए वन वन थ्री ओ बी सी के लिए फोर वन सेवन एस सी के लिए थ्री सिक्सटी और एस टी के लिए वन ट्वेंटी वन तो ये कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो हमें देखने की जरूरत है अब साथियों प्रश्न है कि इसके एग्जाम का पैटर्न क्या है तो एग्जाम का पैटर्न तीन लेवल पर डिवाइड किया गया है एक टायर वन हंड्रेड मार्क्स का एक टायर टू फिफ्टी मार्क्स का और एक टायर थ्री इंटरव्यू इस बार पहली बार ये लोग ऑनलाइन एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं अभी तक इनका जितना एग्जाम था ऑफलाइन था डिस्क्रिप्टिव जो है टायर टू जो है वो इस बार डिस्क्रिप्टिव मोड में है और ये ऑफलाइन होगा टायर वन 100 मार्क्स टायर टू 50 और इंटरव्यू 100। यहां पर साथियों देखने वाली बात क्या है टायर टू को मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 33 परसेंट मार्क्स मांगा गया है लेकिन मेरिट यह भी डिसाइड करेगा यानी जो आपका मेरिट बनने वाला है वो 250 में बनने वाला है कुछ चीजें हैं जो लास्ट ईयर से थोड़े से अलग हैं वो हमें ध्यान देने की जरूरत है जैसे टायर टू के लिए सिक्सटी मार्क्स अलग से सिक्सटी मिनट्स अलग से दे दिया गया और टायर वन के लिए सिक्सटी मार्क्स सिक्सटी मिनट्स यह हमारा पैटर्न है जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स और जनरल स्टडीज 20 मार्क्स इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द करेंट अफेयर्स यानी आप देखें कितना बड़ा रोल हो सकता है करेंट का और ये अपना नॉर्मल जीएस या जीके और दूसरा जो हमें यहाँ ध्यान देने की बात जरूरत है इंग्लिश है 20 मार्क्स और मैथ्स है ट्वेंटी मार्क्स और रीजनिंग है ट्वेंटी मार्क्स इन्हें हम देखें यहां पर तो यह पैटर्न है और टोटल साठ मिनट में यह हंड्रेड क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं तो जीएस के लिए हम रख सकते हैं फोर्टी मार्क्स इंग्लिश बेसिक वही रीजनिंग वही मैथ वही पॉइंट टू फाइव निगेटिव मार्किंग है और हर क्वेश्चन के लिए वन मार्क्स दिया गया है इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है पे पेपर और इस तरीके से पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है साठ मिनट में आपको सौ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मेरिट में पूरा का पूरा इसका बड़ा रोल होगा यानी मार्क्स ऐड होंगे टाइटू में सिर्फ दो ही चीजें हैं एस है थर्टी मार्क्स का और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसिज है ट्वेंटी मार्क्स का यानी लगभग वही डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है आपका जो आप सीजीएल में दे रहे हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए थर्टी थ्री परसेंट मार्क्स आपके पास होना चाहिए लेकिन ध्यान रखना है कि इसका मार्क्स एड होगा ऐसे जो है वो इंग्लिश में ही है ये ध्यान रखिएगा इस पर इंग्लिश कंप्रिहेंशन को हिंदी में कन्वर्ट करना हो सकता है हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो सकता है प्लेस राइटिंग है ये वन आवर में आपको फिफ्टी मार्क्स गेन करने हैं और टायर थ्री जो है इनका इंटरव्यू है कह रहे हैं बेस्ट ऑन कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ टायर वन एंड टायर टू एंड टायर थ्री द कैंडिडेट वुड शॉर्ट लिस्टेड फॉर फाइनल सिलेक्शन इस बार प्लस पॉइंट है कि इस बार वेकेंसीज दूसरे लास्ट ईयर की अपेक्षा काफी अधिक है द डेट टाइम एंड सेंटर ऑफ टायर टू एंड टायर थ्री वुड बी इनिशियटेड द सक्सेसफुल कैंडिडेट बाईल ऑन दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी टायर टू बाद में होगा टायर टू एंड टायर थ्री मे नॉट बी कंडक्टेड एट द ऑल सेंटर टायर टू और टायर थ्री किसी खास सेंटर पर या स्पेशल कैंडिडेट की संख्या के आधार पर डिसाइड करेंगे द कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू अदेयर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एडमिट कार्ड टायर वन है ये तो अलग बातें हैं सिलेक्शन प्रोसेस में हमने पहला बता दिया है किस किस तरीके से होगा यह हम बात कर चुके हैं नॉर्मलाइजेशन भी होगा टोटल सीट का टेन टाइम्स को क्वालिफाई किया जाएगा किसके लिए टायर टू के लिए स्कोरिंग होगा नंबर ऐड होगा और मिनिमम कट थर्टी थ्री परसेंट यह तो है मेरे बच्चों एग्जाम का पैटर्न यहां पर कोई डाउट हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रेजुएशन वाला ही अपॉर्चुनिटी है एग्जाम डेट बताइए एग्जाम डेट अभी फाइनल इन्होंने नहीं दिया है लेकिन मेरा अपना मानना है कि जल्दी करेंगे जल्दी क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते अपने जितनी वैकेंसीज पीछे आई हैं उसको ध्यान में रखते हुए अब ये तो रहा साथियों एग्जाम का पैटर्न अब हमें कैसे तैयारी करें कि हमारे बात बन जाए थोड़ा बहुत जॉब प्रोफाइल के बारे में जी जो चीज आपको अट्रैक्ट करेगी मैंने दो बातें शुरू में कही हैं कि यदि आपको लगता है कि आपका मैथ कमजोर है और आप एस में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिस्पेक्टेड जॉब है सैलरी उतनी ही है बल्कि बीस एक्स्ट्रा है बहुत सारी चीजें आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा ज्यादा अच्छे पोस्ट तक पहुंचने के लिए थ्री टू फोर ईयर में ही आप स्केल वन में कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब इतना फास्ट इम्प्रूवमेंट आप एस में भी नहीं पा पाएंगे यह आपका ग्रेड पे होगा बीस परसेंट एक्स्ट्रा लेंसेज हैं द पोस्ट इन्वॉल्व ऑल इंडिया सर्विसेज यानी पूरे भारत में हम कहीं भी आपको अपॉइंट कर सकते हैं ये कुछ लास्ट ईयर का हमने एक सैंपल पेपर दे दिया डिस्क्रिप्टिव का जैसे राइट एंड एस इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली ध्यान रखिएगा इंग्लिश में ही लिखना है ये चीज ध्यान रखना है थर्टी मार्क्स का जैसे उन्होंने बोला था सोशल मीडिया अबून और बैन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज डू यू एग्री दैट द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर द अनलेस द चेंज ऑफ द वे ऑफ मैनेज इट जस्टिफाई द कंटेंट तीनों में से कोई एक लिखना था और कितने वर्ड में लिखना है साथियों 400 हंड्रेड वर्ड में थर्टी मार्क्स का और ट्वेंटी मार्क्स का प्रेसीज आया है या पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन है दो मार्क्स के आधार पर यह कुछ जीएस के क्वेश्चन हमने डाले हैं ताकि आपको समझ में आए कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो एसएससी का तैयारी आप कर रहे हैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन हैं कुछ भी अलग नहीं है मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आईबी के लिए स्पेशल पढ़ना है क्या आप कई बार पढ़ चुके हैं डब्लू डब्ल्यू क्या है कौन सा स्टेट करंट में किस तरीके का लास्ट एग्जाम वही सत्रह अठारह में हुआ है तो उसके हिसाब से करंट आपको दिख रहे हैं निम्नलिखित में कौन सुल्तान कौन सातों सुल्तानों के दरबार में रहा है, इस तरीके क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं सारा का सारा मतलब बेसिक क्वेश्चन वही यदि आप एस वाली तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ अलग से अफेक्ट करने की जरूरत नहीं है इन्फ्लेशन के क्वेश्चन है सीपीआई कौन जारी करता है आप इन्फ्लेशन में पढ़ते हैं ये गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन अलग से कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसका एग्जाम का लेवल बिल्कुल अलग हो जैसे उस समय का ये करंट है तो अब बार रही बात कि हमारी तैयारी कैसे हो हम कैसे तैयारी करें क्या तर, तरीका लाए तो उस पर हम ये करके बात कर लेते हैं देखिए हमने कहा रीजनिंग कुछ नहीं करना है एस एस सी की आप तैयारी लगभग सभी लोग कर रहे हैं रेलवे की तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस पेपर आप एस एस सी का उठा लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी बीस क्वेश्चन ये आने हैं पंद्रह सत्रह सभी लोग कर लेते हैं प्रीवियस ईयर यदि आप टारगेट कर लें ध्यान रखिएगा ऐसा बता रहे हैं कि एग्जाम तो आई कंडक्ट करा रही है लेकिन जो आप, आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो मैसेज कहां से आ रहा है टीसीएस के रूप में तो मेरा अपना मानना है कि टी ही कंडक्ट कराएगी और टीसीएस कंडक्ट करेगी तो वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो अभी कर रहे हैं रीजनिंग का लेवल हाई कर रहे हैं मैथ्स बिल्कुल एस वाले पैटर्न को कुछ भी अलग से आपको करने की जरूरत नहीं English, है इंग्लिश बीस क्वेश्चन ही बीस मार्क्स का बेसिक ग्रामर सिलेबस सेम दिया गया है जो एस वाला है अब रही बात जी एस और जनरल अवेयरनेस ट्वेंटी दिस इज द करेंट और ये अपना सारा का सारा साइंस एस तो इसमें कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों इन चारों सब्जेक्ट में आपने सिर्फ प्रीवियस पेपर को फॉलो कर लेना है प्रीवियस कौन सा तो एसएससी वाला ना कि आईबी वाला और यहां पर मेरा अपना मानना है कि थोड़ा सा स्टैटिक जीके वाले पर काम करिएगा और इसके लिए हम डेली आपको यहां पर क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रात को ग्यारह से बारह बजे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल जा रही है बैचेस भी शुरू हो गए हैं अन पर इस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके तो वे लोग जिनको जल्दी जॉब चाहिए वे लोग जो मैथ में बहुत कंफर्ट नहीं है वे लोग जो चैलेंजिंग जॉब चाहते हैं तो ये तीनों पॉइंट व्यू से आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज दे रहा है और कोई डाउट कोई क्वारीज हो तो आप पूछ सकते हैं इसके बाद साथियों रहेगा डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ भी नहीं है मैं आपको एक तरीका सिखा दे रहा हूं यदि आप कर पाए तो आपको डेली अपना न्यूज़पेपर का एडिटोरियल यदि आप एडिटोरियल वाला हिस्सा 20 दिन यदि आप लिख लेते हैं जो भी आप न्यूजपेपर पढ़ते हैं तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं रुकेगा एडिटोरियल वाला हिस्सा कौन सा जब आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज खोलते हैं तो यहां पर दो पैराग्राफ होते हैं यहां पर है और एक नीचे की तरफ और इधर एक बड़ा सा तो ये वाला जो हिस्सा होता है दैट इज एडिटोरियल इसको आपको कोशिश करना है अपने लैंग्वेज में लिखने का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इंग्लिश में ही लिखना है तो हिंदी वालों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है तो इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपने विचारों को लिख पाए यदि आप इसे सीख कर रहे हैं तो और ये कुछ भी कोई अब मैं कहूं कि मेरे से कोचिंग कर लो मेरे से क्लास कर लो तो वो उतना इफेक्टिव नहीं है हाँ हम आपको सिखा सकते हैं कि लिखें कैसे चार सौ वर्ड में अपनी पूरी बातों को कैसे लिखना है जैसे मान लीजिए फार्मर बिल के बारे में बात कर रहे हैं तो किस तरीके से आप फार्मर्स के भी व्यू को रख पाए किस तरीके से गवर्नमेंट के व्यू को भी रख पाए किस तरीके से लास्ट पहले के सर बिल से अलग है किस तरीके से आगे ले ये अच्छा है क्या उम्मीद कर सकते हैं तो ये सारा का सारा एटीट्यूड कहां से आएगा आपको यहीं से प्रैक्टिस से तो मेरा मानना है कि आप डेली यदि आप 10 मिनट आधे घंटे दे करके कर इसको लिखते रहते हैं तो आप कर सकते हैं 10 टाइम्स बुला रहे हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए थोड़ा सा एफर्ट से आप इसको अच्छा से कर सकते हैं क्योंकि सीजीएल टायर वन टायर टू टायर थ्री एक लंबा प्रोसेस हो जा रहा है यहां जल्दी जल्दी सारा काम करा लेते हैं और कोई डाउट आपका हो चले इसके बाद साथियों ये तो हुआ डिस्क्रिप्टिव का और रही बात इंटरव्यू की तो अभी बहुत ज्यादा हम आपसे नहीं डिस्कस करेंगे एक लंबा टॉपिक है इंटरव्यू भी है, हम कराते रहे हैं तो कुछ नहीं करना है साथियों आपका जो बायोडाटा होता है उसमें जितने सेक्शन होते हैं जो फॉर परफॉर्मा देंगे उसके हर परफॉर्मा पे आप सेल्फ से कोशिश करें ट्वेंटी क्वेश्चन जनरेट करने का यदि यह करने में सक्षम रहे तो आप फंसेंगे नहीं जैसे मान लीजिए आपका पहला नेम अब आपके नेम पर आप कोशिश करें बीस क्वेश्चन खुद से बनाने का आपके नाम का मीनिंग क्या है आपके नाम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है आप अपने नाम से अपनी पर्सनालिटी को कैसे मैच करते हैं इस नाम से आपको क्या मोटिवेशन मिलता है कहां पे आपको इसके दिक्कत होती है आपके नाम का कोई फेमस हीरो स्पोर्ट्स हिस्ट्री ढेर सारे इसी तरह के आप किस जगह से हैं उससे रिलेटेड बीस क्वेश्चन किसी पे आप दस बना पाएंगे किसी पर बारह और आपको मजा आएगा जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो बायोडाटा वाले पे बहुत ज्यादा आपको एफर्ट करने की जरूरत पड़ती नहीं है और जब डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे होंगे उसी समय आप है, क्या है? बनाना जरूरी है नहीं है कोरोना में सरकार ने अच्छे से रोल निभाया नहीं निभाया अभी आपको इंडियन इकोनॉमी में क्या प्रोग्रेस दिखता आपको क्या समस्याएं दिखती पचास तरीके से क्वेश्चन हो सकता है बायोडाटा का सिक्सटी टू फोर्टी क्वेश्चन और ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट क्वेश्चन करेंट बेस होता है बायोडाटा में ही आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड का भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये बहुत टफ नहीं होता है हाँ हम टीचर्स या हम विद्यार्थियों को लगता है कि एक बहुत बड़ा तैयारी करने की जरूरत है बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है जनरली ये बहुत ईजी है तो ये हमने तीनों लेवल पे आपको डिस्कस कर दिया है कि किस तरीके क्वेश्चन आए थे क्या हमें तैयारी कर रणनीति रखना है कुछ भी अलग से बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है एग्जाम का पैटर्न क्या है सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं इसके अलावा आपका कोई डाउट कोई क्वाज बनता है तो आप उनसे कमेंट करके पूछें एग्जाम कब तक हो सकता है मैं ऐसा जूम कर रहा हूं कि फरवरी मार्च तक ये एग्जाम हो जाएगा अगले दो, दो से तीन महीने में, में लेवल वन अब वो डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे लेकिन सीजीएल से पहले हो जाएगा सीजीएल आपका सत्ताईस मई है तो उससे पहले हो जाएगा ये एग्जाम क्योंकि दो के बाद 2020 में आ रहा है और 2020 भी खत्म हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी होगा ये कंपल्सरी कंप्यूटर कोर्स कंपल्सरी है क्या नहीं कोई कंपल्सरी नहीं है सर्टिफिकेट फिकेट नंबर जो मांग रहा है उसमें क्या लिखना है भरा पाऊ आप लोगों ने क्या लिखना है सर्टिफिकेट नंबर अच्छा रोल नंबर अलग है ना हाँ तो आपके डिग्री पे लिखा होता सर्टिफिकेट नंबर आप वहां से देख सकते हैं पहले तो ऑफलाइन होता था हां ये ध्यान रखना है कि इस बार टायर वन ऑनलाइन है पहले ऑफलाइन होता था टायर टू ऑफलाइन है और फिर टायर थ्री इंटरव्यू है हमने बता ही दिया ये टाइपिंग नहीं होगी कोई टाइपिंग का चक्कर नहीं है सर एज क्राइटेरिया बढ़ाने के लिए आईबी एग्जाम के लिए कैसे ट्वीट करें अभी ये तो मेरे बच्चे इस पर तो कोई कमेंट नहीं करूँगा मैं करेंट कंप्लीट नहीं कराएंगे बिल्कुल कराएंगे मेरे दोस्त चले अभी के लिए फिर हम यहीं पर सेशन को खत्म करते हैं फिर भी कोई डाउट कोई क्वारीज रहेगा तो कमेंट में आप लिख देंगे और अगली क्लासेज में जो सेशन होगा वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको हम अपडेट दे देते हैं कि डेली हमारी नौ से साढ़े दस पर फ्री क्लासेस होती हैं डेली बेस पर जिसमें हम कई बार कॉन्सेप्ट कई बार एमसीक्यू डिस्कस करते हैं रात को 11 से 12 अन अकेडमी पर फ्री क्लासेस होती हैं जिसमें हम सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं होता यह है कि मान लीजिए आप बायो पढ़ें तो बायो याद है बायो छोड़ दिए जोग्राफी पढ़ें जोग्राफी याद है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आठों सब्जेक्ट को मिला करके करेंट हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इको साइंस केमिस्ट्री सारा कवर करके कवर कर रहे होते हैं तो यह आप डेली रात को 11 से 12 मुझे मिल सकते हैं और ये दोनों के दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपको कोई जरूरत नहीं है रही बात आपकी पेड़ वाले की तो उसके बारे में भी बता दूंगा कौन सा बैच हम आईबी को टारगेट करके लेकर के आ रहे हैं चल तो ये तो हो गया साथियों कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है क्या करना है अब रही बात हमारे जो प्लस कोर्सेज आपके लिए आ रहे हैं उन पे थोड़ा सा आप देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन या किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं चल और किसी का डाउट कोई क्वारीज इंटरव्यू इंग्लिश में होगा या हिंदी में इंटरव्यू में कोई ऐसा शर्त नहीं हिंदी इंग्लिश दोनों को प्रीफर किया जाता है जी का करेंट करा दिया है एक पार्ट और करेंट का लाएंगे कल हमने काफी कुछ जीएस में कवर कर दिया है तो वहां पर एक पार्ट और हम लोग लेकर के आएंगे तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे जी का अब हम इस वीक से करने वाले हैं वीकली करंट तो वीकली बेस पे आपको हम करंट कवर करवा दिया करेंगे यहां पर तो ये हमने डिस्कस किया था कि एक आईबी को लिए स्पेशल बैच कौन सा आ रहा है तो उस पर देख लेते हैं एक बार कल से ही हम लोग एक बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आईबी को टारगेट करेंगे सीएचएसएल को टारगेट करेंगे और सीई को टारगेट कर रहे हैं इसमें सारे मेन एजुकेटर जो हैं अन अकेडमी के सारे के सारे हैं इसमें मैं इसमें आपके साथ स्टैटिक जीके डिस्कस कर रहा हूं ये साथियों आईबी का एग्जाम के लिए स्पेशली एमटीएस के लिए अलग से है सी एच और सी को ध्यान में रख करके डिस्कस कर रहे हैं और आप चाहें तो वन ईयर का सिक्स मंथ का जितना आपको लगता हो जितने टाइम में आप कवर कर सकते हैं तो आप उसी के हिसाब से ले सकते हैं बैचेस को और अभी इकतीस तारीख से के बारह बजे के बाद फीस बढ़ जाएंगे तो उससे पहले यदि आप चाहें तो ले सकते हैं और डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड स्योर सिक्सटी यूज कर सकते हैं ये फोर सिक्सटी और फ्री क्लासेस के लिए भी आप अन अकेडमी पर जुड़ सकते हैं इस कोड के साथ तो ये आपके ऊपर है कि जरूरत हो तो आप प्लस में जुड़ जाएं अच्छे से सारे एजुकेटर के साथ टेम्प्रेरी पेमेंट का क्या मामला है सर टेम्प्रेरी है या जॉब या परमानेंट निकम में सारे जॉब परमानेंट होते हैं लिखते टेम्परेरी इंटरव्यू के में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बताइए प्लीज कुछ बताए थे अभी हमने आपको आगे हम और बता देंगे जब आपका इंटरव्यू का लेवल आएगा अभी हम टायर वन ए टायर टू के लिए फोकस करें जैसे जैसे स्टेजेस आते जाएंगे हम आपको डिस्कस करते चले जाएंगे तो अभी के लिए साथियों यहीं पर रखते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू गुड नाइट जय हिंद कल मिलते हैं फिर और अभी रात को ग्यारह बजे फिर मिलेंगे अन अकाडमिक प्लेटफॉर्म पर